हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे चोकोबार आइसक्रीम। ये देखिए कितनी आसानी से ये डीमोल्ड हो रहा है और टूट भी नहीं रहा है, और इसे हम बस तीन चीज़ों से ही बनाने वाले हैं बिना आइसक्रीम मोल्ड के। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम चोकोबार आइसक्रीम कितनी आसानी से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइसक्रीम को हम नॉर्मल चॉकलेट ओरियो से नहीं बनाएंगे, आज हम डिफरेंट फ्लेवर से बनाएंगे इसे। तो ओरियो बिस्किट में आपको वेनिला क्रीम वाला बिस्किट मिल जाएगा या फिर चॉकलेट क्रीम वाला मिलेगा, और अभी ये नया स्ट्रॉबेरी क्रीम वाला है, तो आज मैं यही स्ट्रॉबेरी क्रीम वाले ओरियो चॉकलेट से आइसक्रीम बनाने वाली हूँ। अब यहाँ पर दूसरा इंग्रेडिएंट है मिल्क कंपाउंड चॉकलेट, आप इसके जगह नॉर्मल डेयरी मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क कंपाउंड चॉकलेट, इसे हम कट कर लेंगे। आप चाहो तो मिल्क कंपाउंड चॉकलेट के साथ डार्क कंपाउंड चॉकलेट भी मिक्स कर सकते हो, और बस इस चॉकलेट को मेल्ट करके ले लेंगे हम। अब आपके पास चोकोबार आइसक्रीम बनाने वाला मोल्ड है तो आप वो ले सकते हो, या फिर नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो पेपर का मोल्ड आता है, जो पेपर कप आता है, वो हम ले लेंगे। अब हम इस मेल्टेड चॉकलेट को कप में डालेंगे और इसे पूरे कप में अच्छी तरह से हमें फैला लेना है, और जो बाकी का एक्स्ट्रा चॉकलेट बचेगा वो हम इसी कटोरी में निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने कप को चॉकलेट से अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। जब तक ये सेट होता है तब तक हम आइसक्रीम के लिए मिश्रण तैयार कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर लेना है एक मिक्सी जार, और इसमें हम सारे बिस्किट को तोड़ करके डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप दूध। दूध अगर आप फुल क्रीम वाला, मलाई वाला लेते हो तो आइसक्रीम और ज़्यादा क्रीमी बनेगा। अब इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 5 मिनट के बाद ये जो कप है उसमें चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम मिश्रण जो हमने तैयार किया है वो इस कप में डाल देंगे, और जो हमने मिश्रण आइसक्रीम के लिए बनाया था वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। तीनों कप में एकदम परफेक्टली आ गया है, बचा नहीं है बिल्कुल एक्स्ट्रा। अब इसके ऊपर मैंने 2-3 ओरियो बिस्किट को क्रश करके रखा था, वो थोड़ा सा डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 2 ओरियो बिस्किट लिया है, इसके बीच का क्रीम हमें निकाल लेना है, और जो बिस्किट है उसके बीच में हमें चाकू से थोड़ा सा कट लगा देना है, और इसमें हमें आइसक्रीम स्टिक डाल करके चेक कर लेना है कि बराबर कट लगा है या नहीं। अब ओरियो बिस्किट में आइसक्रीम स्टिक लगा करके इसे ग्लास में हम प्लेस कर देंगे, और तीनों ग्लास में हमें इसी तरह से स्टिक लगा देना है। और अब इसे हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज में रख देंगे। ओवरनाइट फ्रीज में रखने के बाद चलिए अब इसे हम चेक करते हैं। तो अब हमें पेपर कप को अच्छी तरह से डीमोल्ड कर लेंगे, और ये बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाता है, ये देखिए। और आप चाहो तो इसे चॉकलेट आइसक्रीम बना सकते हो, चॉकलेट ओरियो बिस्किट यूज़ करके। तो आप बिना मोल्ड के भी आइसक्रीम, वो भी चोकोबार, बहुत आसानी से बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये कितना क्रीमी लग रहा है, और इसे आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए अंदर से ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बना है, और ऊपर से भी देखने में बहुत यमी दिख रहा है, बहुत टेस्टी है। आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखना, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। तो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।